Hello and welcome to SPM IAS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 6th April 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about freedom of speech versus national security. And this topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. इससे रिलेटेड मेंस में क्वेश्चंस आते ही रहते हैं. डायरेक्टली ये सब टॉपिक बोल करके नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ इसी लाइन में सवाल होगा. तो देखते हैं. आपको पता है आर्टिकल 19(1) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज 6 फंडामेंटल राइट्स. उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है 19(1A) द टॉक्स अबाउट राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. उसके अलावा बाकी सब तो आपको याद होगा ही, बेसिक पॉलिटी में आपने रटा होगा. 19(1B) टॉक्स अबाउट असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स एंड सो ऑन. लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा कि ये जो राइट्स हमें मिले हैं बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 19(1), दे आर नॉट एब्सोल्यूट राइट्स. एब्सोल्यूट से हमारा मतलब है कि दे आर नॉट valid or they do not hold true in all circumstances. There have been some reasonable restrictions applicable on them as per the Constitution itself under Article 19(2). So 19(1) is 6 set of rights that gives us certain rights in different domains. At the same time, Article 19(2) puts certain restriction over the rights available under Article 19(1). जैसे बात की जाए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, गारंटेड अंडर आर्टिकल 19(1A). तो इसमें कुछ ग्राउंड्स दिए हैं 19(2) में फॉर सब्जेक्टिंग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन दिस राइट. ये जो ग्राउंड्स हैं वो हैं सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस. सरल भाषा में कहें तो अगर इनसे रिलेटेड कोई भी इशू है, ये सब कोई भी बातें हैं, तो इन केसेस में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विल नॉट होल्ड वैलिड. उस केस में आप नहीं कह सकते कि मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मैं प्रैक्टिस कर रहा था. आप कोई ऐसी बात नहीं कह सकते जिससे किसी और को डिफेम करें और कह दें कि मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रैक्टिस कर रहा था. फॉर एग्जांपल, राहुल गांधी जी के खिलाफ आपको पता है डिफेमेशन के चार्जेस लगे और कोर्ट ने उनको सज़ा भी सुना दी, गुजरात हाई कोर्ट ने. तो राहुल गांधी जी ये नहीं कह सकते कि मैं तो अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि डिफेमेशन इज ए ग्राउंड फॉर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ओवर द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. एक डिफेमेशन भी एक पॉइंट है. यहाँ पे मैंने बोल्ड में दे रखा है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, देश की आंतरिक सुरक्षा या ओवरऑल सुरक्षा. दैट इज ऑल्सो अ बेसिस ऑन विच रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैन बी पुट ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. इस आर्टिकल में हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे. तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर कोई रीजनेबल तरीके से रिस्ट्रिक्शन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में या बाकी सारे राइट्स पे लगाए कैसे जाए. तो पार्लियामेंट के पास पावर है, लॉ बना करके रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रीडम प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 19(1). एग्जीक्यूटिव्स के पास पावर है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू वो लिमिटेशंस लगा सकते हैं ऑन द सर्टेन राइट्स प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 19(1). सवाल ये उठता है कि पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए ऑन दीज राइट्स, या एग्जीक्यूटिव्स ने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिए हैं रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए ऑन दीज राइट्स, वो रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल हैं या नहीं वो कौन डिसाइड करेगा. तो इसको डिसाइड करने का पावर है जुडिशियरी के पास. सो दिस कुड बी अनदर एग्जाम्पल टू प्रूव कि आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव्स और वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एंड द प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस. यू सी, राइट्स को कुछ हद तक कर्टेल करने का, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाने का पावर पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव्स के पास है, लेकिन ये चेक करना कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इन राइट्स के ऊपर बाय पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव्स, ये रीजनेबल हैं या नहीं, ये पावर जुडिशियरी के पास है. अब करंट केस पे आते हैं. देखिए, मलयालम का एक न्यूज चैनल है मीडिया 1, उसका लाइसेंस सरकार ने रद्द कर दिया. द लाइसेंस ऑफ दिस न्यूज़ चैनल वॉज रिवोक्ड बाय द गवर्नमेंट. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा कि दिस न्यूज चैनल हैज़ लिंक्स विथ टेरर ग्रुप जमात-ए-इस्लामी हिंद, और इसी कारण से ये सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट वाला जो रिस्ट्रिक्शन है गारंटेड अंडर आर्टिकल 19(2) उसका इस्तेमाल करके हमने इस चैनल का लाइसेंस रद्द किया है, क्योंकि ये चैनल एक प्रेस का हिस्सा है और प्रेस जो है और फ्रीडम ऑफ प्रेस इज सब पार्ट ऑफ दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो आर्टिकल 19(1)(a) गिव्स और टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल, लेकिन उसके अंदर इनहेरेंटली इनबिल्ट है द फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस को इस केस में कर्टेल किया है भारत सरकार ने, और वो कर्टेलमेंट किया गया है 19(1) आर्टिकल के राइट्स को कर्टेल किया गया है बाय यूजिंग 19(2), उसमें भी प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। द लाइसेंस ऑफ मीडिया 1 वाज रिवोक्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी ऑफ द आर्टिकल 19(2)। फिर ये मामला जो है केरला हाई कोर्ट पहुंचा। केरला हाई कोर्ट ने इस रिस्ट्रिक्शन को जस्टिफाइबल बताया, तो फिर मीडिया 1 वाले पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, और अब करंट न्यूज इसी से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस मुद्दे पे आया है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार के इस फैसले का, जो इस मीडिया चैनल के ऊपर बैन लगाया गया था, उस फैसले को रिवोक करने के लिए कहा है। सेट असाइड, द सुप्रीम कोर्ट हैज सेट असाइड द सेंटर्स बैन ऑन दिस मलयालम न्यूज चैनल मीडिया 1। सुप्रीम कोर्ट ने क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं वो जरा देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेंटर्स एक्शन अमाउंट्स टू द रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से इस पर्टिकुलर केस में द रिस्ट्रिक्शन जो भारत सरकार ने लगाया है इस मीडिया 1 चैनल पे, दैट इज़ नॉट अ रीजनेबल वन। भारत सरकार ने जो रिस्ट्रिक्शन लगाया है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि द गवर्नमेंट्स नेशनल सिक्योरिटी आर्ग्यूमेंट इज़ नॉट मच सेंसिबल। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द नेशनल सिक्योरिटी क्लेम्स कैन नॉट बी मेड आउट ऑफ थिन एयर, देयर मस्ट बी मटीरियल बैकिंग सच इन्फेरेंस। सरल भाषा में आप बस बोल करके कि ये पर्टिकुलर चैनल या ये पर्टिकुलर मीडिया हाउस या ये पर्टिकुलर न्यूज़पेपर नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, और उस बोल करके आप उनके ऊपर बैन नहीं लगा सकते। यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल सबमिट सम सब्सटैंशियल मटेरियल बैकिंग, अदरवाइज जस्ट क्लेमिंग नेशनल सिक्योरिटी क्लेम एंड पुटिंग बैन कैन नॉट बी अलाउड अंडर आर्टिकल 19(2)। तो ये जो करंट डेवलपमेंट है मीडिया 1 न्यूज़ चैनल, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी क्लेम कैन नॉट बी मेड आउट ऑफ थिन एयर, दिस आर्ग्यूमेंट कैन बी यूज्ड इफ एनी क्वेश्चन कम्स on a kind of contradictory or conflictual relation between freedom of speech and expression and national security। कि कई दफ़ा लोग जो हैं ऐसी बातें कर देते हैं, ऐसी बातें बोल देते हैं जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है, या फिर मीडिया हाउसेस के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ऐसे मीडिया हाउसेस जिनके जिहादी ग्रुप से लिंक्स हैं, जैसे इस पर्टिकुलर केस में सरकार ने कहा है मीडिया 1 के। तो इस तरह के सवाल में आप ये करंट इशू तो मेंशन करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आप सेक्शन 124A ऑफ IPC दैट टॉक्स अबाउट सेडिशन चार्जेस, उसको भी कोट कर सकते हैं। सेडिशन चार्जेस के अंतर्गत भी माना जाता है कि ये जो IPC सेक्शन 124A है दैट टॉक्स अबाउट सेडिशन, देशद्रोह, दैट हैज चिलिंग इफेक्ट ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप कुछ भी जेन्युइन क्रिटिसिज्म भी करें ऑफ द गवर्नमेंट, ऐसा क्रिटिक्स कहते हैं, जेन्युइन क्रिटिसिज्म पे भी सरकार सेक्शन 124A इम्पोज कर देती है, सेडिशन चार्जेस इम्पोज कर देती है। तो सेडिशन एंड दिस प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19(2) समटाइम्स प्रोवाइड्स इनफ स्कोप फॉर कर्टेलमेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सेडिशन को लेकर के भी सेक्शन 124A को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया इंपॉर्टेंट, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जहाँ पे सेक्शन 124A के कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये कानून कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट लिमिटेड इट्स एप्लीकेशन। सुप्रीम कोर्ट ने इसके एप्लीकेशन को लिमिटेड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 124A तभी अप्लाई किया जाए व्हेन देयर इज ए टेंडेंसी टू इंसाइट वायलेंस, जब कोई ऐसी हरकत करे जिससे वायलेंस वरकने का डर हो, उसी केस में सेक्शन 124A अप्लाई किया जाए। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है, ये एक पीरियोडिक रिपोर्ट है दैट इज़ पब्लिश्ड बाय टाटा ट्रस्ट सिंस 2019। इसमें कैसा है, देश के जो स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज़ हैं वहाँ पे जुडिशरी से रिलेटेड जो फंक्शनिंग है वो कितना एफिशिएंट है, उसके बेसिस पे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को रैंकिंग दी जाती है। पुलिस, प्रिजन, जुडिशरी एंड लीगल एड में वो स्टेट कितना ज़्यादा एफिशिएंट है, उसके बेसिस पे स्टेट्स को रैंकिंग दी जाती है। करंट न्यूज़ ये है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 विच इज़ द थर्ड एडिशन ऑफ द रिपोर्ट हैज़ बीन रिलीज्ड। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो कर्नाटका इज़ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट एज फार एज जस्टिस, पुलिस, प्रिजन एंड लीगल एड इज़ कंसर्न, जबकि लार्जर स्टेट्स में उत्तर प्रदेश इज़ द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट। असम से रिलेटेड अगर कुछ डेटा आता तो हम इसको मगअप करते, बट अनफॉर्चुनेटली इन दिस सर्वे असम वाज नॉट कवर्ड, तो असम से रिलेटेड डेटा हमारे पास है नहीं। इसी रिपोर्ट में, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में, जुडिशियरी में पेंडिंग केसेस के बारे में भी जिक्र किया गया है। तो देयर आर अ लॉट ऑफ पेंडिंग केसेज इन इंडियन जुडिशियरी, हाई कोर्ट्स में बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं, और उसके पीछे मुख्य कारण है वैकेंसी ऑफ मैनी पोजीशंस और मैनी जजेस इन हाई कोर्ट। लगभग 40% सीटें जो हैं वो वैकेंट हैं। आउट ऑफ 1108 जजेस ओनली 778 जजेस आर वर्किंग राइट नाउ। उसके अलावा देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ पेंडेंसी, दैट इज़ वन प्रॉब्लम, बट बिगर प्रॉब्लम इज़ कि द पेंडेंसी केसेज आर राइजिंग इन मैनी स्टेट्स इन लास्ट 5 ईयर्स। तो अब जब जुडिशरी की बात चल ही रही है, मेंस एग्ज़ाम आ रहा है आप सब लोगों का, तो जुडिशरी से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट और डेटा यहीं कलेक्ट कर लेते हैं। लुक, पिछले साल 2022 में 11th ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर्स एंड चीफ जस्टिसेस कंडक्ट कराया गया था। वहाँ पे कई सारे डेटा भारत सरकार की तरफ से ही निकल करके आए थे, तो ये डेटा ज़्यादा ऑथेंटिक हैं। ये वाले तो टाटा ट्रस्ट से आया है, ये डेटा जो 11th ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस से आया है ज़्यादा ऑथेंटिक है। इट सेज कि अबाउट 4.7 करोड़ केसेज आर पेंडिंग इन वेरियस कोर्ट्स ऑफ द कंट्री, इंक्लूडिंग 70,000 अप्रॉक्सीमेटली केसेज पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ। वैकेंसी की बात की जाए तो अबाउट 42% ऑफ द टोटल सैंक्शनड सीट्स इन हाई कोर्ट्स लाई वैकेंट। वैकेंसी ज़्यादातर हैं क्यों हाई कोर्ट्स के अंदर? तो उसके पीछे कारण है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर फाइनलाइज नहीं हो पा रहा है। क्या है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर? तो आपको याद होगा कि भारत सरकार ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया था इन 2014 एज ए रिजल्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन वाज टू रिप्लेस कोलेजियम सिस्टम फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, बट देन सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन ऑन द ग्राउंड दैट इट इज़ इन्फ्रिंजमेंट इनटू ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी। तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन तो स्ट्राइक डाउन हो गया। कोलिजियम सिस्टम वाज रिटेन्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एज पर इट्स जजमेंट। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि कोलिजियम सिस्टम विल फंक्शन बट इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट, इन अकॉर्डेंस विद द एग्जीक्यूटिव्स, एंड फॉर दैट देयर विल बी एन एग्रीमेंट बिटवीन जुडिशियरी एंड द एग्जीक्यूटिव्स, एंड दैट इज़ हाउ द प्रोसेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर begin, कि memorandum of procedure would be an agreement between judiciary and the government as far as the appointment of the judges are concerned. collegium system ही होगा, लेकिन collegium system किस तरीके से काम करेगा उसके लिए एक memorandum of procedure साइन किया जाएगा सरकार और judiciary के बीच में। दिक्कत क्या है कि memorandum of procedure का फाइनलाइजेशन अभी भी बाकी है, और जब तक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर फाइनलाइज नहीं हो रहा है तब तक जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर के, उस प्रोसेस को लेकर के पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव क्लैरिटी नहीं है, एंड दैट इज़ वन रीज़न बिहाइंड डिले इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, एंड दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड वैकेंसी इन अबाउट 40% पोस्ट इन हाई कोर्ट, एंड दैट इज़ बिग रीज़न बिहाइंड पेंडेंसी ऑफ केसेज एंड द नंबर ऑफ पेंडेंसी ऑफ केसेज राइजिंग इन आवर कंट्री। तो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर फाइनलाइज ना हो पाना जुडिशरी का एक मेजर प्रॉब्लम है जिसको आप कोट कर सकते हैं। 11th ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड चीफ जस्टिसेस से कुछ और इंपॉर्टेंट डेटा देखे जाए तो प्लाइट ऑफ अंडर ट्रायल, 76% ऑफ प्रिजनर्स इन इंडिया आर अंडर ट्रायल्स, और इसको एड्रेस करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने सजेस्ट किया कि हर डिस्ट्रिक्ट में कमिटी बनाई जाए लेड बाय द डिस्ट्रिक्ट जज टू इन्वेस्टिगेट ईच केस ऑफ अंडर ट्रायल एंड रिलीज द अंडर ट्रायल्स ऑन बेल इफ पॉसिबल। उसके अलावा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर जुडिशरी के अंदर अगर उसकी बात की जाए तो उससे रिलेटेड कुछ डेटा हैं। आपको अब बात समझनी होगी, मेंस के आंसर्स जेनरिक नहीं होते हैं कि जुडिशियरी का इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, डिले हो रहा है, पेंडेंसी हो रहा है, ये सब तो कोई भी लिख देगा। व्हेन यू राइट फॉर एग्जांपल पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर जुडिशियरी, देयर यू हैव टू कोट सर्टेन स्पेसिफिक डेटा। For example, data like 26% courts do not have separate ladies' toilet, coming from this conference only. 32%, only 32% have separate record room. Otherwise, ज़्यादातर जजेस में कैसा होता है कोर्ट्स में कि जजेस के आसपास के टेबल पे ही रिकॉर्ड इस तरह से रख दिए जाते हैं, आपने देखा होगा इस मूवी में, राइट? तो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए अ जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी विल बी फॉर्म्ड एट स्टेट लेवल टू स्ट्रेंथन जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। इस टॉपिक के बेसिस पे ये 10 मार्कर का हमने मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, डिस्कस द मेजर्स दैट हैव बीन टेकन टू इंश्योर स्पीडी एंड चीप जस्टिस। तो एक आधा लाइन आप इंट्रो इस तरीके का कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट से ये भी रिक्वेस्ट आया है कि सर आप उसी दिन जवाब मत दिया कीजिए सवालों का, क्योंकि आप जो सवाल का जवाब देते हैं उससे वही आइडियाज़ हमारे दिमाग में स्टिक कर जाते हैं एंड वी फेल टू थिंक न्यू आइडियाज़। ये बात भी सही है कुछ हद तक। तो आई विल ट्राई कि मैं पूरा आंसर ना देने के बजाय बस कुछ थोड़ा बहुत हिंट्स दूँ ताकि आपके लिए इनफ स्कोप छोड़ूँ खुद के आंसर इनोवेट करने का। यहाँ पे तो मैंने बहुत कुछ दे दिया, आगे से आई विल कीप माय एक्सप्लेनेशन क्वाइट लिमिटेड एंड विल गिव जस्ट हिंट्स। तो इसमें सबसे पहले मैंने बताया कि कई सारे ऑल्टरनेटिव एडजुडिकेटरी मैकेनिज्म भी लाए गए हमारे देश के अंदर पेंडेंसी ऑफ केसेस को कम करने के लिए, जैसे ग्राम न्यायालय एक्ट, लीगल सर्विसेज एक्ट फॉर लोक अदालत, ट्रिब्यूनल्स, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन मैकेनिज्म। फिर भी हमारे देश में पेंडेंसी ऑफ केसेस का प्रॉब्लम जो है वो परसिस्ट कर रहा है। 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं और वहाँ पे आप ये मेंशन कर सकते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 सेज कि इंडियन जुडिशरी फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ तारीख पे तारीख इशू, सिर्फ डेट पे डेट मिलता रह जाता है। और इस कारण से मॉडर्न टाइम्स में भी ये सारे तो ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स के अलावा भी अगर हमें जुडिशरी को एफिशिएंट बनाना है तो वी हैव टू अडॉप्ट सर्टेन न्यू सजेशंस और मैकेनिज्म्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पॉकेट्स। फॉर एग्जांपल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सजेस्टेड यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर मेडिएशन एंड लिटिगेशन, मेडिएशन बिफोर लिटिगेशन। तो केस करने से पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाए, मेडिएशन दोनों पार्टीज़ में आपस में समझौता कराने की कोशिश की जाए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराई जाए फॉर स्पीडी रिड्रेसल। पीएम मोदी ने 11वें जॉइंट कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड चीफ जस्टिस में सजेस्ट किया यूज ऑफ लोकल लैंग्वेजेज इन द कोर्ट्स। इससे जो रिड्रेसल ऑफ केसेस हैं वो फास्ट होगा। यूरोपियन कोर्ट्स में ऐसा ही होता है, वहाँ के लोकल लैंग्वेजेज का इस्तेमाल किया जाता है इन देयर कोर्ट्स। रिपीलिंग ऑफ ऑब्सोलीट लॉ, वहाँ पे आप कोट कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रिपील्ड अबाउट 1450 ऑब्सोलीट लॉज एंड रिलीज ऑफ अंडर ट्रायल ऑन बेल्स ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल बाय सेटिंग अप अ डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट 3D प्रिंटेड धावन-II इंजन। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। तो करंट न्यूज़ ये है कि एक प्राइवेट स्पेस व्हीकल कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस, भारत की प्राइवेट स्पेस व्हीकल कंपनी स्काई रूट स्पेस एरोस्पेस ने एक 3D प्रिंटेड धावन-II इंजन बनाया है। धावन-II सतीश धवन नाम साहब के जो उनके नाम के आगे ये धावन-II इंजन नाम दिया गया है। तो 3D प्रिंटेड धावन-II इंजन बनाया है हमारे देश के एक प्राइवेट स्पेस से रिलेटेड एजेंसी ने, स्काई रूट एरोस्पेस। धावन-II इंजन की अगर बात की जाए तो एक क्रायोजेनिक इंजन है। क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है वो आपको पता है, जैसे GSLV मैक 2 या मैक 3 में लगा हुआ है क्रायोजेनिक इंजन। GSLV पूरा का पूरा होता ही उसका तीसरा स्टेज क्रायोजेनिक होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, मैं बता चुका हूँ। तो क्रायोजेनिक में होता क्या है कि ये जो फ्यूल होते हैं या उसका ऑक्सीडाइजर होता है उसको ये लोग इतने लो टेम्परेचर तक स्टोर करके रखते हैं, समवेयर क्लोज टू -150 डिग्री सेल्सियस, कि द फ्यूल which in general stay in the gaseous form at such a low temperature in the cryogenic engine turns into liquid. For example, fuel है liquid nitrogen gas LNG और oxidizer है liquid oxygen। ये liquid format में तभी होगा when they are stored at a temperature -150 डिग्री सेल्सियस, और उनको handle करने के लिए liquid form में nitrogen gas और natural gas, लिक्विड फॉर्म में नेचुरल गैस और लिक्विड फॉर्म में ऑक्सीजन को हैंडल करने के लिए यू नीड टू हैव क्रायोजेनिक इंजन, जो इस केस में धावन-II इंजन बनाया है स्काई रूट एरोस्पेस ने। ये जो एरोस्पेस ने, स्काई रूट एरोस्पेस ने ये इंजन बनाया है धावन-II दैट हैज़ बीन क्रिएटेड और मैन्युफैक्चर्ड विथ हेल्प ऑफ 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग से इसको बनाया है। अब 3D प्रिंटिंग होता क्या है? 3D प्रिंटिंग इज नोन एज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। लेयर बाय लेयर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है 3D प्रिंटिंग में। पहले क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन बना दिया जाता है सॉफ्टवेयर की मदद से। जो भी सामान बनाना उसका डिज़ाइन बना दिया जाता है सॉफ्टवेयर पे, फिर उसको प्रॉपर इनपुट दे करके लेयर बाय लेयर प्रिंटिंग करके वो सामान को मैन्युफैक्चर किया जाता है। आप देख सकते हैं इस वीडियो की मदद से, यू विल गेट टू हैव बेटर आइडिया अबाउट 3D प्रिंटिंग। ये सामान आपको बनाना था जो यहाँ इस वीडियो में दिखाई, इस तरह का सामान बनाना है, तो पहले आपने सॉफ्टवेयर की मदद से इसको डिज़ाइन कर लिया कंप्यूटर में। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, और बाद में आपने लेयर बाय लेयर प्रिंटिंग करके, लेयर बाय लेयर आप देखो, लेयर बाय लेयर ऐसे प्रिंटिंग करके आपने ये सामान बना दिया। दैट इज़ नोन एज 3D प्रिंटिंग। और 3D प्रिंटिंग करके हमने ये स्पेस व्हीकल भी कंस्ट्रक्ट कर लिया है। ऐसा सवाल आ सकता है मेंस में, 3D प्रिंटिंग से रिलेटेड, डिस्कस एप्लीकेशंस ऑफ 3D प्रिंटिंग इन डिफरेंट सेक्टर्स, ऑल्सो हाईलाइट स्टेप्स टेकन एंड चैलेंजेज इन डेवलपमेंट ऑफ 3D प्रिंटिंग इन इंडिया, 10 मार्कर 150 वर्ड्स। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि सिर्फ हिंट्स लिख करके दूं, पूरा आंसर लिख करके ना दूं, ताकि आपके मेंटल आइडियाज जो है वो ब्लॉक ना हो। 3D प्रिंटिंग से रिलेटेड कुछ की वर्ड्स मैंने दे दिए हैं। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग होता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के बाद मैन्युफैक्चरिंग होती है लेयर बाय लेयर। 3D प्रिंटिंग का एप्लीकेशन अलग अलग सेक्टर्स में हो सकता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में एयर डक्ट या वॉल पैनल बनाने में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, स्पेस सेक्टर में रिसेंटली हमने देखा स्काईरूट एरोस्पेस ने धावन-II इंजन बनाया, मेडिकल सेक्टर में बायोनिक एयर्स या प्रोस्थेसिस, जो आर्टिफिशियल लिम्स बनाते हैं ना, उनको कहा जाता है प्रोस्थेसिस, वो मेडिकल सेक्टर में। फूड सेक्टर में कन्फेक्शनरीज लाइक हार्ड, शुगर कैंडी एंड चॉकलेट्स कैन बी क्रिएटेड विथ 3D प्रिंटिंग। लेकिन देयर आर सर्टेन चैलेंजेज विथ 3D प्रिंटिंग, फॉर एग्जांपल हाई कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड मटेरियल, लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर इन इंडिया, इजी प्रोडक्शन ऑफ प्रोहिबिटेड आइटम्स लाइक गन्स। तो अगर 3D प्रिंटिंग ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया तो गन्स वगैरह लोग घर बैठे बैठे कंप्यूटर डिज़ाइन करके और 3D प्रिंटिंग में लेयर बाय लेयर करके बना लेंगे। दैट वुड बी अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि 3D प्रिंटिंग में सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग होती है, कोई किसी का कॉपी कर लेगा स्ट्रक्चर, तो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 3D प्रिंटिंग में 3D प्रिंटर्स आर कनेक्टेड ऑनलाइन एंड दैट इज़ वाई देयर इज हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। एथिकल इश्यूज आर ऑल्सो देयर विथ 3D प्रिंटिंग, क्योंकि 3D प्रिंटिंग में बायो प्रिंटिंग भी की जा सकती है, कुछ ऑर्गेन्स भी बनाए जा सकते हैं विथ हेल्प ऑफ 3D प्रिंटिंग। दैट मे लीड टू एथिकल इशूज लाइक डिजाइनर बेबीज एंड ऑल। इंडिया के अंदर 3D प्रिंटिंग को प्रमोट करने के लिए एक पॉलिसी लाई गई है जिसका नाम है नेशनल स्ट्रेटजी ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। दिस पॉलिसी इज़ फॉर 3 इयर्स फ्रॉम 2022 टू 2025। डेटा सीधा याद कर लीजिएगा इस पॉलिसी के, 5% ग्लोबल मार्केट कैप्चर करना है हमें बाय 2025। टोटल जो भी हमारा GDP है उसमें से लगभग $1 बिलियन कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा फ्रॉम 3D प्रिंटिंग, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और 2025 तक 100 न्यू स्टार्टअप्स इन द 3D printing area will be there and 500 new products of 3D printing will be produced in India till by 2025. The next article is about Hikikomori and this topic is important from our syllabus GS paper 4 ethics and integrity point of view. Hikikomori होता क्या है? ये एक तरीके का आप समझिए साइकोलॉजिकल स्टेट है या फिनोमिना है ऑफ सोशल विथड्रॉल। इसके अंतर्गत हो क्या रहा है कि जापान के अंदर कई सारे लोग, ये हिकिकोमोरी एक जापान के अंदर का प्रेवलेंट टर्म है, विच मीन्स सोशल विड्रॉल। पीपल एसोसिएटेड विथ एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड सोशल फोबिया, दे विड्रॉ देमसेल्फ फ्रॉम सोशल कनेक्ट। वो दुनिया से, सब लोगों से अलग हो जाते हैं 6-6 महीने से। देयर आर मेनी पीपल इन जापान, मोर देन 15 लाख पीपल इन जापान हु हैव नॉट लेफ्ट देयर होम फॉर लास्ट 6 months एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज हिकिकोमोरी। इट इज स्प्रेडिंग रैपिडली इन जापान। इट इज़ ए काइंड ऑफ सोशल फोबिया, जिसमें लोग जो है दूसरे लोगों से मिलना नहीं चाह रहे हैं, बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं, अलग रहना चाह रहे हैं। आखिर ये फैल क्यों रहा है? ये कोई बीमारी तो है नहीं, बट वाई दिस इज बिकमिंग प्रोमिनेंट, दिस फिनोमिना इज बिकमिंग प्रोमिनेंट। The bigger reason is high academic expectations, intense competition leading to social phobia. देखिए आज का ज़माना इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है, इतना ज़्यादा फास्ट पेस्ड हो गया है कि जो थोड़ा सा भी पिछड़ता है वो अपना लैक करने लगता है सेल्फ इस्टीम, सेल्फ वर्थ, और बाकी समाज में बाकी लोगों को प्रोग्रेस करते हुए, अच्छा करते हुए एक मन में फ्रस्ट्रेशन आता है। और उस फ्रस्ट्रेशन से बचने का एक तरीका लोग ढूंढते हैं कि समाज से अपने आप को अलग कर लो, बट वो एक बिगर चैलेंज या बिगर प्रॉब्लम बाद में इमर्ज होकर के आता है। जब आप समाज से अलग होने लगते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू डू नॉट मीट पीपल यू माइट डेवलप साइकोलॉजिकल कंडीशन जिसको कहते हैं सोशल फोबिया, जिसमें आपको बाहर जाने से ही डर लगता है और धीरे धीरे दैट टर्न्स इनटू बिगर एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड दैट लीड्स टू बिगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड इट बिकम्स almost impossible for people like such to reintegrate with the society and it can lead to further larger mental health problems. तो हिकिकोमोरी कोई बहुत बड़ा टर्म तो है नहीं, लेकिन कहीं मान लीजिए एथिक्स में या एसे में आप लिख रहे हो और वहाँ आप आर्ग्यू कर रहे हो कि मॉडर्न फास्ट पेस्ड लाइफ से सोशल फोबिया हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जापान के अंदर देखा जा रहा है हिकिकोमोरी फिनोमिना, मोर देन 15 लाख पीपल आर स्पेंडिंग लाइफ लाइक हर्मिट्स फॉर लास्ट 6 मंथ्स। जैसा कि कल से मैंने शुरू कराया था मेंस फॉडर कंटेंट, इसको मैं ये भी नाम दे सकता हूँ या देना चाह रहा हूँ, कलेक्टिंग आवर वेपन्स, यही सब तो हैं हमारे वेपन्स फॉर मेंस, फैक्ट्स डेटाज। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड नेशनल सिक्योरिटी में मैंने मलयालम न्यूज़ चैनल वाली बात बताई, ये लिख सकते हो। आईपीसी सेक्शन 124A वाली बात, केदारनाथ सिंह केस के बारे में बताया, जुडिशरी से रिलेटेड जो डेटा मैंने बताया वो यहाँ लिख करके दे दिया है। ऐसे धीरे धीरे कलेक्ट करते जाएंगे, लगभग 1000 इस तरह के डेटा हो जाएंगे, फिर उसको चैप्टर बाय चैप्टर या टॉपिक बाय टॉपिक सेग्रीगेट कर लेंगे। 3D प्रिंटिंग, इससे रिलेटेड सारी बातें मैंने बता दी हैं। हिकिकोमोरी वो भी मैंने बता दिया है, राइट। अभी अंत में हर एक सब सेगमेंट के लिए, गवर्नेंस हो, पॉलिटी हो, सबके लिए लगभग 100 या 200 डेटा हम लोग इस तरह का रट के जाएंगे। जैसे उससे रिलेटेड कुछ आइडियाज़ आएंगे उसको हम लोग क्लिक करेंगे। वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी एंड ये जो W12+ ब्लूप्रिंट फिनोमेना, इससे रिलेटेड पहला स्टेटमेंट सही है लेकिन दूसरा गलत है। इट इज़ नॉट एन इनिशिएटिव ऑफ यूनिसेफ, इट इज़ इनिशिएटिव ऑफ यूनेस्को। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A, 1 ओनली। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।